तो गाइस आपको एक बात बताऊं, दानिश ने इतना खाया ना, इतना ज्यादा खाया, और इसका पेट देखो, जैसे वो मेरा पेट बहुत अच्छा है, जैसे वो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं होती, वो देख सकते हो आप उसकी तरह अभी तक। तो गाइस आप देख सकते हो इसको कोई भी चीज मिलती है ना रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, बस फोटोज बनाने के लिए ना, इसको कुछ कुछ भी मिल जाए फोटोज बना जाता है। Hey guys, what's up everybody? It's your boy Sam, back again with new video. तो आज की वीडियो मेरी रहेगी इर्तुगुल गाजी। अगर सीरियल कोई देखता है या उसका कोई फैन है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कबील करके है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा इर्तुगुल गाजी की तरह सेटअप है, जैसे कि वहाँ के वो टेंट्स वगैरह होते थे। तो अभी आप बाहर का व्यू देख लो और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अब अंदर चलते हैं। तो गाइज मेरे साथ हैं दानिश भाई, मेरे स्कूल फ्रेंड। चलो हाय करो यूट्यूब फैमिली को। ये देख सकते हो आप किस तरह दांत निकाल रहे हैं, लगता है ईद वाले दिन इन्होंने मसवाक या दातुन की है, तभी ये इतने दांत निकाल रहे हैं। और इस टाइम आपको पता है हमने हमने सोचा कि हम मसवाक करेंगे तो इनके बालों में क्या होगा। तो गाइज इस टाइम हम आए हैं कबील करके एक रेस्टोरेंट है, जो कि इर्तुगुल गाजी की तरह मैंने आपको बताया, काई कबीला। तो आप देख सकते हो सिंबल भी है, और ये हमारे दानिश भाई हैं, इनका चश्मा बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सी स्माइल देखो, वो अलग बात है, लड़की वाली स्माइल है। तो इस टाइम ये काफी ज्यादा इनका यूट्यूब चैनल है तभी हम की इज्जत करते हैं, तो हमारी इज्जत तो आप करोगे ही और डर से भी करते हो, और आपसे बड़े इसीलिए भी आप इज्जत करते हो। ये हमसे छोटे बड़े हैं, बहुत ज्यादा ही बूढ़े हैं, हम जवान अभी छोटे तो बच्चे। ये अपने बच्चे हैं कल कल के, तो कोई बात नहीं गाइस, अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, मुझे पता ही एडिट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं गाइस। तो अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, काफी ज्यादा भूख लगी है, और दानिश भाई आपको भूख लगी है? दानिश भाई देख सकते हो आप इतनी भूख लगती है इसको, और फिर भी कुछ बना नहीं है अभी तक इसका। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जो ये रेस्टोरेंट है काफी ज्यादा चीप है, और बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी आपको, और अभी चीप प्राइस इसमें है, ऐसे चीप नहीं है। हाँ रेस्टोरेंट चीप नहीं है, चीप प्राइस है, और जो क्वालिटी वगैरह मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। ये देख सकते हो आप, ये हमारे नेपाल से है भाई, नेपाल से हो? हाँ जी। ये हमारे भाई नेपाल से, और यहाँ पे नेपाली मोमोज मिलते हैं, देख सकते हो आप काफी अच्छे मोमोज है ये, और चिकन वगैरह भी ले सकते हो आप। तो फिलहाल हम ही कुछ खाते हैं। तो गाइस आपको एक बात बताऊं, दानिश ने इतना खाया ना, इतना ज्यादा खाया, और इसका पेट देखो, जैसे वो मेरा पेट बहुत। यहाँ पे कैंटीन भी है, आप ये सब खा सकते हो यहाँ पर आकर, पेस्ट्री वगैरह। और दानिश भाई मान ही नहीं रहे, दानिश को जो मिल रहा, दानिश ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हो कितना कमजोर है वो, अलग बात है, ये पता नहीं क्या करता रहता है। तो ये देखो, डालूंगा तो जरूर मैं भाई, कुछ भी बोल ले। और ये देखो, तो गाइस आप देख सकते हो इसको कोई भी चीज मिलती है ना रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, बस फोटोज बनाने के लिए ना, इसको कुछ कुछ भी मिल जाए फोटोज बनाने जाता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, ये टेलीफोन इन्होंने रखा था यहाँ पे शोपीस के लिए, और ये बंदा टेलीफोन के साथ फोटोज बनाने लग गया।
ये देखो आगे इसको नंबर ही नहीं याद, गर्लफ्रेंड का नंबर लगा रहा है 320। वीडियो को वापस रिप्ले कर लेना, गर्लफ्रेंड का नंबर मिल जाएगा आपको। तो काफी अच्छी स्माइल है यार इसकी, देख सकते हो आप। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे मोमोज वगैरह के लिए क्या मोमोज है यहाँ पे, वेज मोमोज भी हैं, सीम भी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेन चीज, जो भी यहाँ पे मीट वगैरह हलाल है। तो इसने बट अलग बात है, इसने झटका खा लिया अभी। तो गाइज आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ विजिट कर सकते हो, फैमिली रेस्टोरेंट है और काफी चीप प्राइस में अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। अच्छा फैमिली के साथ शाम के टाइम आओगे, काफी अच्छा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, लाइटनिंग वगैरह की। ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं। और ये क्या कहते हैं इसको यार, कुआ क्या बोलते हैं, वेल कहते हैं अंग्रेजी में, वेल, और हिंदी में कुआ कुआ। ये देखो कुआ, कहाँ कहाँ पड़ता रहा यार, कुआ। तो ये देख सकते हो, प्रोनंसिएशन मत सिखाइए सर। तो मैं बताता हूँ आपको, ये दानिश कह रहा है मैं 2 साल के बाद दानिश ने ये चलाना है बैलगाड़ी। दानिश आगे खुद ही होगा या नहीं, तुझे आगे रखूंगा और पीछे मुझे रखेगा और पीछे खुद बैठेगा। वैसे इसका क्या ही वजन है, इसको आगे बिठा दूंगा। गाइस काफी अच्छा व्यू है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे नान वगैरह बना रहे हैं भाई, ये हमारे भाई नान वगैरह बनाते हैं, स्पेशल नान बनाते हो ना, क्या बात है। नाम क्या भाई आपका, क्या हेमराज, इसका नाम है हेमराज। और ये किचन वगैरह जहाँ पे ये अपना सामान वगैरह बनाते हैं। तो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तो ये हमारे दानिश भाई, हमारे फर्स्ट टाइम आए ब्लॉग में, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया इनके साथ टाइम स्पेंड करने का। और देख सकते हो अभी भी रो रहे हैं, इनका क्या हाल होने वाला है वो वक्त ही बताएगा। तो चलते हैं, बाय।